अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऐब एंड फ्लो। ऐब एंड फ्लो में होता क्या है बेसिकली कि आप उसको कुछ आप कह रहे हैं एक तरह से डच बकेट सिस्टम से थोड़ा बहुत मिलता हुआ है। हम जब डच बकेट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो डच बकेट से क्यों मिलता हुआ है। एनीवेज ऐब एंड फ्लो के अंदर क्या होता है कि एक रिजर्वायर होता है, जैसे कि ये रिजर्वायर है, ठीक है, और फ्लड करा जाता है पंप के थ्रू, सबमिसिबल पंप के थ्रू पानी को फ्लड किया जाता है। और जो ये मीडिया होता है, मतलब ग्रोइंग मीडिया जो हम यूज़ करते हैं टू होल्ड द प्लांट्स, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो ज़्यादातर यूज़ होता है वही कि आपका या तो पेबल्स आप यूज़ करें, आप या तो हाइड्रोटॉन यूज़ करें, वही लीका जिसको एक्सटेंडेड प्ले केबल्स भी कहते हैं, क्लेबेबल्स भी कहते हैं, वो हम यूज़ करें, या फिर आप ग्रेवल जो है वो यूज़ करें, या आप रिवर रॉक यूज़ करें, या सस्ता सबसे सस्ता जो फिर वो पड़ता है पीएमएस जो है वो माइस जिसको कहते हैं अक्सर लोग, तो वो यूज़ करें। तो इससे होता क्या है बेसिकली एक पंप रिजर्वायर नीचे होता है बेस में, ऊपर सिस्टम होता है, सिस्टम में पानी ऊपर से आता है और फिर पौधों को पानी देते हैं और दे के वो पूरा पानी फ्लड करके फिर वापस ग्रेविटी के थ्रू नीचे रिजर्वायर में चला जाता है। इसको फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम भी अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है, वैसे ऐब एंड फ्लो को कहा जाता है। तो इसमें आपने देखा ये पंप लगा हुआ है और उसमें फिर ये कि सबमर्सिबल पंप से पानी जब भेजते हैं तो नीचे रिजर्वायर में एयर पंप भी हम यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो रिजर्वायर में होता है, वरना स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, खड़ा पानी आपको पता है, वो बहुत सारे जो है बैक्टीरिया जो है बैड बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं वो पैदा करता है, तो इसलिए इसको करते जाता है। अच्छा, इसका ऐसा नहीं होता है कि ये कॉन्स्टेंट चल रहा होता है, बेसिकली इसमें टाइमर के तौर पर फ्लड किया जाता है और कुछ देर बाद फिर दोबारा फ्लड किया जाता है, मतलब टाइम टू टाइम इसको देखा जाता है और वो टाइम टू टाइम जब दिया जाता है और उस टाइम को किस तरह से स्केड्यूल सेट किया जाता है उस प्लांट की एज के हिसाब से, उस प्लांट की आप समझ रहे हैं कि उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम टाइमर भी सेट करते हैं। ये प्रैक्टिकल में जब होगा इंशाल्लाह तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ऐब एंड फ्लो भी दिखाऊंगा और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं और वो आगे हम जो पढ़ेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। एनीवे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, ये इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर टैंक के अंदर ये होता है और ये ऊपर से पंप किया जाता है थ्रू सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप जो से जो है यहाँ से फ्लड करता है पूरा, जब ट्रे भर जाती है तो एक साइफन लगा होता है जो कि जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है वो सारा का सारा बह के दोबारा टैंक में आ जाता है। अच्छा, अब इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं और जो है नुकसानदेह भी है। ऑल्दो मैंने आपको जैसे बताया कि कमर्शियली ये सिस्टम यूज़ नहीं होता और अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, प्रोफेशनली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो ऐब एंड फ्लो को यूज़ नहीं किया जाता। ऑल्दो कि ये सिस्टम जो है ऑब्वियसली ये बताया गया है, बनाया गया है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर अगर मोटर या पंप आपका जो है वो ख़राब हो जाता है और ये आपकी टाइमिंग जो हैं, स्केड्यूलिंग जो है फीड की, अगर वो थोड़ी सी भी आगे पीछे आपने सही सेट नहीं करी तो भी पौधे जो हैं नुकसानदेह, स्ट्रेस में आ सकते हैं और इवन अगर ज़्यादा आपने लंबा टाइम कर दिया तो पौधे जो हैं मर भी सकते हैं। तो एक ड्रॉबैक इसका ये भी है, प्लस और भी क्या होता है कि अगर आपने जैसे कि मिसाल के तौर पर फ्लड किया है और पंप आपने चलाया, पंप ने फ्लड किया और कुछ टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा आपने टाइमर जो है आपका थोड़ा सा आपके जो है जजमेंट आपकी वो ख़राब हो गई और टाइमर का जो टाइम है स्केड्यूलिंग का वो थोड़ा सा बढ़ गया तो रूट्स सारी ड्राई आउट हो सकती हैं, सूख जाती हैं रूट्स और फिर वो ये कि प्लांट स्ट्रेस में आता है तो इवेंचुअली फिर वो उसको फिर मरता ही है। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में इसका मैं आपको बता देता हूँ तरीकाकार क्या होता है कि शुरू में जो है आप इसके टाइमर को आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम चलाएं, मतलब कि हर दो मिनट बाद
चलाएं, क्योंकि देखें एक एडवांटेज तो आपको मिल रहा है कि आप इसको चला रहे हैं, दूसरा बात ये कि ये खड़ा नहीं रहता पानी, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया ना फ्लड एंड ड्रेन भी कहलाता है, तो ये पूरा साइफन के थ्रू पानी वापस ड्रेन भी हो जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता टेम्परेचर हाई हुआ आपके क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं है, आप ओपन ग्रो कर रहे हैं और टेम्परेचर हॉट वेदर हो गया, ऑल्दो के होना नहीं चाहिए, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में कभी भी हॉट वेदर जो है वो उसके लिए किसी भी सिस्टम के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट्स के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ, हॉट टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस रूट लेवल पे तो बिल्कुल भी जो है हाइड्रोपोनिक सिस्टम पे रिकमेंड किया ही नहीं जाता है। तो अगर खुदा ना खासा ये आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है और आपका जो स्केजुलिंग है टाइमर का, तो उसकी वजह से क्या होता है गर्मी की वजह से फिर रूट सूख जाएंगी, ड्राई आउट हो जाएंगी और फिर इवेंचुअली वो ये पौधे हैं मर जाना है। तो जहाँ इसका फ़ायदा है, फ़ायदा ये होता है कि रूट जल्दी बढ़ती हैं और तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन एक नुकसान और भी है वो हम आगे पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। देखिए बेनिफिट्स ऑफ एबन फ्लो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर एनर्जी, नो डाउट बहुत एफिशिएंटली पानी यूज़ होता है, बहुत एफिशिएंटली जाता है और एफिशिएंटली बिल्कुल नीचे आता है। इसका एक काम होता है कि अगर आप फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एयर पंप ना भी लगाएं तो साइफन जो पानी गिराता है उससे भी बबल्स जनरेट होते हैं और उससे भी ऑक्सीजन जो है जनरेट हो जाती है और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर या रिजर्वायर के अंदर जो है आपका ऑक्सीजन का लेवल एक मेंटेन रहता है। अगर आपका टाइमर और छोटे पीरियड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन और अच्छी आपकी बन जाएगी, ठीक है। हाईली कस्टमाइजेबल टू योर स्पेसिफिक नीड्स, मतलब कि आप किसी भी बड़े पैमाने पे बड़े स्केल्स पे भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो ये कि इसका जहाँ बेनिफिट है वहाँ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि प्लांट्स को जो होल्ड किया जाता है वो आपको मैंने वैसे बताया था शुरू में कि क्ले पेबल्स हाइड्रोकॉन ग्रेवल इसके थ्रू पकड़ा जाता है और नंबर्स ऑफ जो है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बड़ा आपने ट्रे ले लिया, उस ट्रे के अंदर जो पौधों को होल्ड किया था वो नेट कब से नहीं किया जाता, ऑल्दो आप कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। क्या होता है कि हम ओपन जो रूट्स होती हैं वेयर रूट्स, हम उसको प्लांट्स को ऐसे लगाते हैं और क्ले पेबल्स के अंदर हम इसको पैक करके इसको सेट कर देते हैं और फिर वही पंप होता है और फिर वो पूरा ड्रेन हो जाता है। ये खैर हम प्रैक्टिकल में आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये था हमारा एवन फ्लो सिस्टम, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके हवाले से तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कोई भी आपने सवाल पर्सनली पूछना हो किसी भी हवाले से हाइड्रोपोनिक्स के तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।